अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जैस्मीन और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कुक विद जैस्मीन में। आज इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे एगलेस केक, वो भी बिना ओवन के कढ़ाई में विद अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन ऑन इट। ये केक बहुत ही सुपर सॉफ्ट होगा और टेस्टी भी बहुत होगा। हम इसे चाय के साथ या और एज अ स्नैक्स भी खा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कट करने में बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लग रहा है इसे, बिकॉज ये बहुत ही सॉफ्ट केक बना है और इसका कलर कॉम्बिनेशन इज सो टेम्पटिंग। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरुआत करते हैं इस केक की रेसिपी के साथ। एक बाउल में मैंने हाफ कप ऑफ मिल्क ले लिया है। अब उसमें मैं 1/4 कप ऑयल ऐड करूंगी। अच्छे से हम उसे मिक्स कर लेंगे। अब हम एक सीव लेके, छन्नी लेके, उसमें ऑल पर्पज़ फ्लावर या फिर मैदा 1 कप डालेंगे। फिर उसमें हम 1/2 कप पाउडर शुगर डालेंगे। उसी में मैं ऐड करूंगी 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और इसी के साथ मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। हम इसे अच्छे से सीव कर लेंगे। सीव करने का हमारा रीज़न ये है ताकि उसमें कोई भी लम्स ना रहे। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसका जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी गाढ़ी बनी है, इसलिए मैं थोड़ा सा दूध और ऐड कर लूँगी बाद में। आप भी ऐसी ही कंसिस्टेंसी रखने के लिए थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। ये वाली कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब मैं 2 बाउल्स ले लूँगी। उसमें मैं केक के बैटर को 2 डिपार्ट्स में डिवाइड करके इक्वली ऐड करूँगी। इन दोनों बाउल्स में मैं सेपरेटली 1 बाउल में ब्लू कलर एंड अनदर बाउल में ग्रीन कलर ऐड कर दूंगी। इट्स अ फूड कलर, आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। अब क्योंकि हम बिना ओवन के केक बना रहे हैं, तो फिर अब हम अपना होममेड ओवन तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक कढ़ाई में रेगुलर सॉल्ट को ऐड करेंगे, फिर एक स्टैंड रख देंगे। अब जब तक हमारा होममेड ओवन प्री हीट हो रहा है, तब तक हम अपना केक मोल्ड को तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे स्क्वायर केक मोल्ड लिया है। आप अपनी चॉइस का राउंड और हर्ट शेप का भी ले सकते हैं, पर कोई सा भी केक मोल्ड लें, उसे सबसे पहले अच्छे से ग्रीस कर लें। फर्स्ट लेयर ऑफ ग्रीस ऑयल की करूँगी मैं यहाँ पे। अब मैंने बटर पेपर लिया है, अच्छे से उसे प्लेस कर देंगे हम मोल्ड में। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है, तो फिर आप कोई भी रेगुलर पेपर, कोई भी नोटबुक का पेपर लेके उसे एज अ बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं, पर मेक श्योर कि आप उसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस करें। मैंने चारों तरफ से बटर पेपर लगा दिया है। एक और ग्रीस लेयर देनी होगी हमें यहाँ पे। मैं यहाँ पे रेगुलर ऑयल यूज़ कर रही हूँ, जो फूड कुकिंग ऑयल होता है। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट ग्रीन कलर यूज़ किया है, तो स्लोली स्लोली पूरा बैटर नहीं डालना है, थोड़ी क्वांटिटी में हम डालेंगे ग्रीन कलर का बैटर। अब उसे इक्वल स्प्रेड कर दिया मैंने। अब मैं ब्लू कलर का केक बैटर लूँगी। स्लोली स्लोली एकदम मिडल में हमें डालना है, जैसा कि मैंने शो किया है। और फिर अगेन हम प्रोसेस फॉलो करेंगे ग्रीन बैटर के साथ। इसी तरह हमें प्रोसेस को फॉलो करना है। इस प्रोसेस को फॉलो करके हम एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं केक के लिए।
बट मेक श्योर कि ग्रीन ब्लू मिक्स ना हो आपस में। ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन देना चाहती हूँ, तो मैंने टूथपिक की हेल्प से इस तरह से डिज़ाइन बनाए हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि आप टूथपिक को क्लीन करते रहें, वरना ग्रीन और ब्लू मिक्स हो जाएंगे। आप भी सेम प्रोसेस फॉलो करें। चलिए, हमारा डिज़ाइन तो बन गया है। अब हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे हमारी होममेड ओवन कढ़ाई में। हमें इसे 40-45 मिनट्स तक बेक करना है। मिनट्स हो चुके हैं। मैं एक टूथपिक की हेल्प से चेक करूंगी कि मेरा केक फुल बेक हुआ है या नहीं। As you can see, toothpick एकदम clear आई है। It means it's almost ready. So let's take it out. अब यह ठंडा होने तक हम wait करेंगे। उसके बाद किसी plate में जिस तरह से मैंने show किया है, आपको उसी तरह से follow करना है steps को। ऊपर से slowly tap करना है हमें, बिकॉज हमने बटर पेपर यूज़ किया है, तो इट विल बी वेरी इजी टू रिमूव इट। बिना टूटे हमारा केक एकदम आसानी से निकल के आ चुका है। मैं ऊपर की लेयर को प्लेन बनाऊंगी, इसलिए एक एक्स्ट्रा जो है केक हम उसे रिमूव कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लेयर डिज़ाइन आया हमारा केक का इनसाइड से। इसे कट करने में मुझे बिल्कुल भी एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बिकॉज इट हैज़ टर्न्ड आउट सो सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड। यू कैन सी लेयर्स ब्लू और ग्रीन कलर, एकदम अलग अलग लेयर्स आए हैं। हम इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं और एज ए स्नैक्स भी ईट कर सकते हैं। ये रेसिपी ट्राई करें, कमेंट में मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि फ्यूचर में अगर मेरी कोई भी रेसिपी आए तो वो मिस ना हो। Thank you so much for watching my video. Hope you all have a good day.